इंटरमीडिएट अकाउंट्स, अब इसका नाम हो गया एडवांस्ड अकाउंट। पहले और अभी के सिलेबस में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दोनों अकाउंट्स को मर्ज करके एक कर दिया है और कुछ टॉपिक्स को उन्होंने बाहर कर दिया है। तो पहले मैं आपको ना सिलेबस बताता हूँ क्या है, नोटबुक में लिख लेना कि आपका जो करंट सिलेबस है उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। एक है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बहुत इजी टॉपिक है, बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। और अगर आपने कंसाइनमेंट वाला टॉपिक पढ़ा है ना, था क्या फाउंडेशन में कंसाइनमेंट टॉपिक, बस आधा काम तो वहीं पे हो गया। कुछ वैसा ही है, कंसाइनमेंट में आपने एक अपने एजेंट को गुड्स सप्लाई किया होता है और यहाँ पर आप एक अपनी ब्रांच को गुड्स सप्लाई करते हैं, फिर उसकी अकाउंटिंग करनी है। और उसमें अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग है जो हम आज से स्टार्ट करेंगे। दूसरा टॉपिक आपको लिखना है फॉरेन ब्रांच, यानी ब्रांच अकाउंट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है फॉरेन ब्रांच। इसमें ब्रांच विल बी इन अ फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री में ब्रांच होने से क्या होगा, अभी उसकी जो करेंसी होगी वो डिफरेंट होगी। इंडिया की करेंसी क्या है और यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर, और जापान की करेंसी क्या है, येन, चाइना की करेंसी क्या है, रेनमिनबी, युआन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर ब्रांच इंडिया के बाहर है और हेड ऑफिस इंडिया में है, तो दोनों की जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो एक ही करेंसी में होनी चाहिए। तो उस केस में हम फॉरेन ब्रांच की जो भी ट्रायल बैलेंस आपको दी जाएगी उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आगे का उसको अकाउंटिंग करनी है। तो उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, फॉरेन ब्रांच और नॉर्मल ब्रांच प्रॉब्लम में एक स्टेप ज़्यादा है। यहाँ पर फॉरेन ब्रांच के ट्रांजेक्शन्स को पहले आपको होम करेंसी यानी रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रांच और फॉरेन ब्रांच बिल्कुल सेम आ जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है शेड्यूल थ्री, शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये शायद आपने सुना तो होगा कम से कम, शेड्यूल थ्री सुना है, अकाउंट्स में था पहले कभी, लॉ में भी है, अकाउंट्स में भी होगा, 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स में, कंपनी फाइनल अकाउंट्स में नहीं है, फाउंडेशन के कोर्स में है, बिल्कुल नहीं है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट एज पर कंपनीज एक्ट, बेसिक था, बस यहाँ पर भी वैसे ही बेसिक ही है, पूरा फॉर्मेट सीखना, सिर्फ उसको सीखने में 6 दिन लग जाएंगे हमको, बस ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन लग जाएंगे। तो एक शेड्यूल थ्री मतलब कंपनीज जो होती है इंडिया में उनका जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल थ्री में दिया हुआ है, यानी वो अपनी मर्जी से फॉर्मेट डिसाइड नहीं करती है, उनको उसी फॉर्मेट में ड्रॉ करना रहता है। उसके बाद एक इसी का जो नेक्स्ट वर्जन है, जब हम शेड्यूल थ्री सीख जाएंगे देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, 11th, 12th या फाउंडेशन के सिलेबस में आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, प्रोप्राइटरशिप का यूजुअली, पार्टनरशिप का, लेकिन यहाँ पर आपको कंपनी फाइनल अकाउंट्स करना है, यानी सेम फाइनल अकाउंट बट कंपनी के फॉर्म में, यानी कंपनीज के फॉर्मेट में आपको पूरे आंसर को कन्वर्ट करना है। उसके लिए शेड्यूल थ्री जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मेट मिल जाएगा और उसके बाद उसके आगे की अकाउंटिंग जो है वो हम करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो थोड़ा बहुत कंपनी लॉ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन उतना ही पढ़ना है हमको कंपनी लॉ यहाँ पर जितना हमारे को अकाउंटिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। बाकी लॉ के लिए अलग एक पूरा 100 मार्क का सब्जेक्ट है, वहाँ पर आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ जितना अकाउंटिंग के लिए कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है उतना हम सीखेंगे। उसके अलावा और भी है एक और चैप्टर जिसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क, थियरी टॉपिक है, एक ही थियरी टॉपिक है, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड
प्रेजेंटेशन, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपको बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसका थियोरेटिकल डिस्कशन है। बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन कोई बात नहीं, थियरी है ना, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में थियरी पढ़ने में थोड़ा बोर होता है। यस और नो? अकाउंट्स में नंबर वाले प्रॉब्लम आए, प्रैक्टिकल आए तो मज़ा आता है, लेकिन अब सिलेबस में है तो पढ़ना आप तो पड़ेगा ही। उसके बाद एक और टॉपिक है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। आपने लॉ में शायद पढ़ेंगे या देखेंगे सुनेंगे, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज जो पहले ग्रुप टू में था, ये पांच टॉपिक पहले ग्रुप वन में थे, तो उन्होंने बस सिर्फ पांच टॉपिक रखे हैं, बाकी सारे ग्रुप वन के टॉपिक को निकाल दिया अभी, जो ओल्ड कोर्स में हुआ करते थे। और ग्रुप टू से उन्होंने क्या किया है, ग्रुप टू से भी उन्होंने चार टॉपिक ले लिए हैं, एक बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, एक एब्जॉर्प्शन एंड अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड अमालगमेशन है, जब दो कंपनी अमालगमेट होती है, मर्ज हो जाती है एक दूसरे के साथ। आपको पता है कि ऐसी कोई कंपनी जो अभी आपस में मर्ज हो गई हो रिसेंटली, HDFC और HDFC बैंक। पहले HDFC अलग थी, HDFC बैंक अलग थी, अब वो क्या हो गया है, मर्ज हो गया, एक ही ऐप रह गई है, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन। या पहले एक वोडाफोन कंपनी थी और एक आइडिया थी, फिर दोनों मर्ज हो गई, उसका बना क्या, वोडाफोन आइडिया VI, वो भी मर्जर है। तो उसकी अकाउंटिंग वगैरह जो कैसे करते हैं, दैट इज आवर चैप्टर एब्जॉर्प्शन एंड अमालगमेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको इंटरेस्ट लेना है। और उसके बाद एक और इजी टॉपिक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जब कोई कंपनी की हालत ख़राब हो जाती है तो अपने आप को कैसे रिवाइव करती है, इज इट राइट? जैसे वोडाफोन आइडिया की हालत ख़राब है तो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उस समय अकाउंटिंग कैसे होती है? एक गो फर्स्ट एयरलाइन है, पता है चल रही है कि बंद हो गई, बंद होने लायक है, हुई नहीं है, सांस ले रहे हैं अभी वेंटिलेटर पे हैं अभी। तो वैसी कंपनीज के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लग सकता है जिनकी हालत बहुत ही ख़राब है। और एक बहुत ही सुंदर प्यारा टॉपिक, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो चार टॉपिक के मैंने अभी नाम लिखे हैं, ये उन्होंने ग्रुप टू से उठाया है। तो ग्रुप वन से लिया पांच, ग्रुप टू से लिया चार, तो कितने हो गए, 9 टॉपिक बस, या और भी कुछ है? गेस करो और क्या है, जो सही बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। गेस तो करो, गेस करने में क्या जाता है, एक और चीज बाकी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता है थोड़ा बहुत, नाम तो सुना होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन इशूड बाई द इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट ऑल कंपनीज विल फॉलो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 29। आपको कितने एप्लीकेबल हैं, 27। तो जी ऑल स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल, जो इंडिया में एप्लीकेबल है वो आपको एप्लीकेबल है। तो टोटल वैसे तो 1 to 29 है, लेकिन उसमें से दो स्टैंडर्ड जो है डिलीट हो चुके हैं। कौन से दो स्टैंडर्ड डिलीट हो चुके हैं, कुछ पता है कौन से दो स्टैंडर्ड डिलीट हो चुके हैं, जल्दी बताना कौन से दो स्टैंडर्ड डिलीट हो चुके हैं। इन आपके फाउंडेशन में लिस्ट था ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, या नहीं थी? एक तो AS 6 डिलीट हो गया है, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, और एक AS 8 है जिसका नाम था रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये दो स्टैंडर्ड डिलीट हो गए हैं। तो बचे कितने, 27। उसमें जो अमालगमेशन है ये कम, इट कम्स अंडर AS 14। तो आपका एक स्टैंडर्ड तो हमारी नॉर्मल टॉपिक में कवर हो जाएगा डिटेल में, उसमें 7-8 दिन लगते हैं इस टॉपिक को समझने और समझाने में। तो एक यहाँ पर हो जाएगा आपका अब्जॉर्प्शन, और एक ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। इसको भी हम नॉर्मल टॉपिक्स में कवर कर लेंगे। तो बचे आप कितने, 27 में से और दो कम हो गए, 25 स्टैंडर्ड आपको पढ़ने हैं ऑल। सबका मैं नाम लिख नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इतने सारे स्टैंडर्ड हैं। नाम कुछ पता है, 2-4 स्टैंडर्ड्स के नाम, AS 1 पता है, फाउंडेशन में नाम भी याद नहीं रटाया गया था क्या, पहले तो था सिलेबस में, अभी नहीं है क्या, नाम है क्यों नहीं किया, थ्योरी में था तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, एग्जाम में नहीं आते है क्या। अच्छा एग्जाम में नहीं था, एग्जाम में नहीं था तो छुट्टी, फिर ठीक है, जो एग्जाम में नहीं है उसके पीछे फिलहाल दिमाग नहीं दौड़ाना है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पहले इसके पहले जो सिलेबस था उसमें सारे स्टैंडर्ड्स नहीं थे, यानी ये जो नया स्कीम में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसमें कुछ स्टैंडर्ड जो पहले कभी नहीं थे वो उन्होंने अभी ऐड किया है। तो वैसे स्टैंडर्ड के नाम आप लिख लेना कि इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स जो पहले नहीं थे लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, इंटर के सिलेबस में उसको ऐड कर दिया है। क्योंकि ऑफ कोर्स आपका सिलेबस बहुत घटाया भी, आप देखोगे यहाँ पर उन्होंने पहले 14 चैप्टर थे, अभी सिर्फ 5 रखे हैं ग्रुप 1 से, यहाँ पर भी पहले 10-11 चैप्टर थे, अभी सिर्फ 4 रखे हैं। तो कुछ तो सिलेबस बढ़ाएंगे ना, तो इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स एडेड फ्रॉम सी ए फाइनल सिलेबस, पहले सी ए फाइनल में थे, अब उन्होंने क्या किया, छोटे बच्चे की जान लेने के लिए इंटर में डाल दिया है। तो ये कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं, एक तो है AS 15, AS 15 एम्प्लॉई बेनिफिट्स करके है, यानी जो इम्प्लॉयज़ को हम सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, पेंशन देते हैं, ग्रेचुटी देते हैं, उसकी अकाउंटिंग। फिर उसके बाद एक उन्होंने ऐड किया है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, AS 23 अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स। आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा एसोसिएट का, बट और एक उन्होंने ऐड किया है AS 25 इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बहुत ही अलग लेवल का स्टैंडर्ड है ये, और पहले था नहीं। तो ये तो अच्छी बात है कि मैंने फाइनल को बहुत बार पढ़ाया हुआ है, तो मेरे लिए तो बहुत इजी है, बट आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ये। और कुछ है क्या, याद आ रहा है क्या, AS 27 ऐड किया उन्होंने, जॉइंट वेंचर पे है ये। जो जॉइंट वेंचर आपने सीखा है ना, आपने जो सीखा है वो बस इतना सा पार्ट था फाउंडेशन में, फाइनल में इतना बड़ा है वो, बस उतना ही डिफरेंस है, 1 रुपये और 100 रुपये के बीच का। फिर एक और बड़ा स्टैंडर्ड AS 28 उन्होंने ऐड किया है, AS 28 इसका नाम क्या, कोई गेस करो, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट वर्ड सुना है आपने या नहीं, इम्पेयरमेंट वर्ड ही नहीं सुना जिंदगी में। जैसे मान लो बोलेंगे कि आपके सुनने की एबिलिटी इम्पेयर हो गई है, तो क्या हो गया है, सुनने की एबिलिटी अगर आपकी इम्पेयर हो गई है तो क्या हो गया है, सुनने की एबिलिटी इम्पेयर हो गई मतलब सुनना कम हो गया है। आईसाइट हैज़ बीन इम्पेयर्ड मतलब क्या हो गया है, आँखों से देखने की क्षमता कम हो गई है, इज इट राइट। और कौन सा एक स्टैंडर्ड ऐड किया है, मैं ज़रा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये बहुत ही हाई लेवल स्टैंडर्ड है, पहले नहीं थे, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा हैं, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, और स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट लेवल पे डिफ़िकल्टी होती है इनको समझने में। अब लेकिन सिलेबस में डाल ही दिया है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ही, बोलो हाँ या ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, मुझे एक आध कुछ और दिख जाए तो मैं बता रहा हूँ। कौन सा एक और ऐड किया है? बाकी तो सब पहले थे। हाँ, IND-AS 24 तो था, 20 भी था, 18 भी था, सेगमेंट भी था, राइट। हाँ, तो ये ऐड हो गया है। इतने सारे, ये पांच स्टैंडर्ड उन्होंने फाइनल से इंटर में शिफ्ट कर दिया है। अभी बच्चे की पूरी जान ले लेंगे, समझे? छोटा बच्चा अभी अभी 12th स्टैंडर्ड पास करके आया होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पढ़ के आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और यहाँ पढ़ा रहे उसको IND-AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। फाइनल के बच्चों को आज तक नहीं समझा, तुम्हें समझेगा या नहीं समझेगा? कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है, समझने के लिए अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आराम से एक एक चीज़ को समझाएंगे, धीरे धीरे धीरे, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग बहुत ही कैपेबल हैं, ठीक है? तो हमें पढ़ाई कहाँ से करनी है लिख लीजिए, सोर्स कहाँ कहाँ से पढ़ना है आपको। एक तो आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल है, ये इंस्टीट्यूट ने 3 स्टडी मटेरियल आपको दिया है। मॉड्यूल 1 है, उसके बाद एक ऐसा एक मॉड्यूल 2 मिलेगा आपको, और एक ऐसा मॉड्यूल 3 मिलेगा आपको। तीनों को भी एक साथ देखते हैं कितना भारी होता है, ठीक है? ये तीनों की इतनी मोटाई, लंबाई, ऊंचाई है, ठीक है? उसके अलावा आपको सजेस्टेड आंसर पढ़ने हैं। लिख रहे हैं कि नहीं? लिख लो, बाद में फिर बच्चे आके पूछेंगे सर कहाँ से पढ़ाई करनी है। सजेस्टेड आंसर का मतलब है जो पास्ट एग्जाम्स हो चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। अब आपके सामने दिक्कत क्या आएगी कि ये जो कोर्स है पूरा रिस्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन ये जो टॉपिक्स के मैंने आपको नाम लिख कर दिए हैं, जो पास्ट एग्जाम में इन टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन आए होंगे, ब्रांच पे, फॉरेन ब्रांच पे, शेड्यूल 3 पे, वो क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, क्योंकि वो टॉपिक तो कंटिन्यूड है। और नेक्स्ट, अगला चीज़ आपको जो पढ़ना है वो है रिविजन टेस्ट पेपर, RTP। सुना है आपने? बोलो ना हाँ या ना। क्या होता है रिवीजन टेस्ट पेपर? एग्जाम के बाद आता है या पहले आता है? पहले आता है। उसमें कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 7-8 क्वेश्चन रहते हैं या 15-20 क्वेश्चन रहते हैं? थोड़ा थोड़ा सब टॉपिक से रहता है। वेरी गुड, सब टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो हमारे यहाँ मान लो 9 टॉपिक है और करीब 25 स्टैंडर्ड अलग से हैं, तो उसमें कुछ कुल मिला के आपको उसमें 31 क्वेश्चन रहेंगे। अब जो RTP आएगा 30 के अराउंड रहेंगे, 9 चैप्टर हैं और 25 स्टैंडर्ड है, 29 में से 2 तो इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया और 2 हमारे रेगुलर चैप्टर में आ गए हैं, तो टोटल आपके सिलेबस में 34 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, 9 प्लस 25। बहुत ही क्लियर गणित है, 34 चैप्टर सिर्फ पढ़ने हैं आपको। तैयार हैं या वापस MBA वगैरह करने का कुछ इरादा हो तो अभी से कर ले। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड जो है काफ़ी इजी भी हैं और छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, जैसे ये जो मैंने अभी लिखा था वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो और एक इंस्टीट्यूट में एक MTP इशू करती है, MTP यानी मॉक टेस्ट पेपर। हर एग्ज़ाम के पहले 2 मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, वो भी पढ़ना है। ये 4 चीज़ें इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करती है जिससे आपको प्रिपरेशन करना है, और बहुत सारे जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी फ्रॉम
दिस फोर सोर्सेस, बहुत सारे, यानी आजकल तो ट्रेंड ही वही है कि अगर आपने इन चारों को अच्छे से कर लिया तो आपका एग्जाम में 80-90% क्वेश्चन जो है वो सिमिलर होंगे। सिमिलर यानी एकदम 100% तो भले नहीं हो, लेकिन 10 लाइन में से 7-8 लाइन तो वही रहेंगे, फिगर्स बदल जाएगा, ईयर बदल जाएंगे, नाम बदल जाएगा, क्वेश्चन में एक आध एडजस्टमेंट ऐड या लेस कर देंगे, बट बेसिक जो क्वेश्चन रहेगा वो इसमें से ही रहेगा। अंडरस्टूड? और अगर आपको इतना नहीं पढ़ना है तो क्या करना है, फिर ये हमारी बुक पढ़नी है, ठीक है? ये एक बुक है, इसमें सिर्फ पहले 9 टॉपिक है, ये 9 टॉपिक्स की ये बुक है, और एक और बुक मिलेगी बाद में जिसमें रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके सिलेबस में है वो उस बुक में रहेगा। तो इस बुक को बनाने के लिए अभी हमने क्या किया है, काफ़ी समय से इसके ऊपर मेहनत की है, तो इसमें जो भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल गए, जो आपके आरटीपी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ब्रांच पे, फॉरेन ब्रांच पे, कंसोलिडेशन पे, अब्जॉर्प्शन अमालगमेशन पे, बायबैक पे, आरटीपी के भी सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, एमटीपी के भी सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, और जो पास्ट एग्जाम के भी जितने क्वेश्चन हैं वो भी इसमें डाल दिए। सेम थिंग फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल्सो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी हमने शुरू से अब तक जितने भी इंस्टीट्यूट ने उस स्टैंडर्ड पे, जितने भी 2000 से लेकर 2000 अभी तक जितने भी क्वेश्चन उस स्टैंडर्ड पे आए हुए हैं एग्जाम में, वो सारे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, तो आपका काम कंप्लीट, आपको इतनी सारी बुक्स देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी जरूर देखना चाहिए जब जब टाइम मिले। और जो इंस्टीट्यूट की बुक है उसका सिंप्लीफाइड थियरी हमने अपनी बुक में डाली है, यानी हमारी बुक में जो थियरी पार्ट है वो इंस्टीट्यूट से मैच एग्जैक्टली नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, यानी आपके लिए और इजी किया, उसको छोटे छोटे पैराग्राफ में उसमें एग्जाम्पल डाल डाल के, ग्राफ चार्ट्स बना बना के आपको दिए जाएंगे, तो इससे आपका रिविजन भी उसी में से हो जाएगा। तो मेन पर्पज़ है कि एक बार स्टूडेंट के हाथ में ये बुक लग गई फिर इसको पूरा अच्छे से करना है। अब आप कंप्लेन करना चाहे तो कर सकते हैं कि ये बुक इतनी मोटी क्यों है। मोटी इसलिए क्योंकि लगभग ईयर 2000 से लेकर या उसके भी थोड़ा पहले, कुछ कुछ क्वेश्चन तो उसके पहले के भी हैं, ब्रांच अकाउंट, डिपार्टमेंट अकाउंट, तो इंस्टीट्यूट के 1950 से चल रहा है वो चैप्टर, तो वो क्वेश्चन आज भी वैसे ही एग्जाम में आता है, जो 1957 में आया था वो अभी भी आएगा, तो वो जितने पुराने क्वेश्चंस भी हैं वो भी आपको एक जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो कहीं ना कहीं पुराने किसी दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन से ही उठा के लिया जा रहा है, नए क्वेश्चन बनने बंद हो गए, फैक्ट्री बंद है अभी, तो फैक्ट्री में सिर्फ पुराना माल ही बिक रहा है अभी इंस्टीट्यूट का। फाउंडेशन में भी आपने शायद देखा होगा जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल वाले, वो कोई ना कोई पुराने एग्जाम या मटेरियल में से रहेगा, स्टडी मटेरियल में से रहेगा, ये एकदम नए थे सारे के सारे। फाउंडेशन के अकाउंट में सारे क्वेश्चन एकदम नए टाइप के थे या कहीं ना कहीं पुराने स्टडी मटेरियल एग्जाम आरटीपी एमटीपी से थे? क्या एक्सपीरियंस था आपका? एक आध क्वेश्चन अलग था, तो वही मैंने वही बोला कि 80-90% सेम रहेगा। तो आपको ये बुक अच्छे से करनी है, ठीक है? पूरी जी जान लगा के इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप बोलेंगे नहीं इतना नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल है, फिर क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, आपको ही घाटा होगा। अपनी एग्ज़ाम जो है वो प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, इसमें सिर्फ जो बहुत ही होनहार काबिल स्टूडेंट रहेगा उसको ही आगे फाइनल में इंस्टीट्यूट भेजेगी, इसलिए आपको सब कुछ करके जाना है। कोई भी आपका फ्रेंड अगर कहे कि नहीं ये सर का मेटल बहुत ज़्यादा है, नहीं होगा, तो आपको गलत गाइडेंस कर रहा है, फिर बाद में रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपने मटेरियल पूरा किया तो आप 100 मार्क्स में से 90-95-80 मार्क्स तक आराम से प्राप्त कर सकते हैं, बट उसके लिए पूरा करना होगा आपको, ठीक है? तैयार हैं? शॉर्टकट में मार्क्स भी फिर शॉर्टकट में मिलेंगे। उसके बाद सुबह से आपको सभी टीचर ने काफ़ी ज्ञान बांटा होगा,
है कि नहीं? तो थोड़ा सा मैं भी अगर बांट दूं तो कोई हर्ज है? एक तो क्या है, आपको सारे सब्जेक्ट्स में, स्पेशली अकाउंट्स में या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में, एक आदत बनानी है कि रोज क्लास अटेंड करना है, अटेंड दी क्लासेस रेगुलरली। क्लास में जब भी डाउट हो, क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं दिखानी है, ओके? मन में डाउट आए तो पूछ लेना है। जब भी होमवर्क दिया जाएगा करना है। वैसे अभी होमवर्क कम कर दिया हमने, सारा कुछ क्लास में ही करवा देंगे क्योंकि टाइम नहीं है, स्टूडेंट बहुत बिजी हो गया आजकल, सुबह से लेकर रात भर बस क्लास ही क्लास, पूरा जीवन ही क्लासिक हो गया है। उसके बाद आपको टाइम मिले तो आपको स्टडी मटेरियल से भी पढ़ाई करनी है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल इफ़ यू गेट टाइम, यू प्रैक्टिस फ्रॉम स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस फ्रॉम अदर रेफरेंस बुक्स इफ़ यू वांट टू रेफर, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मोस्टली हमने सब कुछ क्लास में कवर कर लिया है। और हमारा जो सीए का एग्ज़ाम है, इसमें प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वापस यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, ऐसा नहीं है। दो स्टूडेंट, दोनों का बैलेंस शीट बिल्कुल सेम टैली होता है, एक उसको डिटेल में शेड्यूल थ्री के फॉर्मेट में बना कर आता है और एक उसको बस किसी तरह टैली करके आता है। दोनों के बैलेंस शीट का टोटल टैली है, लेकिन मार्कशीट में आंसर, मार्कशीट टैली नहीं है दोनों की। मार्कशीट में एक को 90 और एक को 50 है। प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो जब भी आंसर लिखेंगे ये ध्यान में रखना है कि मुझे ये आंसर इंस्टीट्यूट को भी प्रेजेंट करना है और उसी हिसाब से आंसर लिखने हैं, ठीक है? तो ऐसे सिर्फ नंबर नंबर लिख कर टोटल नहीं करना है। अब तक जो किया पाप किया भूल जाओ, अभी मुझे उम्मीद तो है कि आपने नहीं किया होगा, अगर जो भी किया 11, 12 फाउंडेशन में अब तक भूल जाओ, ठीक है? इसके आगे अब ये गलती नहीं करनी है। हमारी बुक में 1000 क्वेश्चन है, शायद कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? टोटल सारे क्वेश्चन रिवाइज करना पॉसिबल है, एक दिन पहले, दो दिन पहले नहीं। तो अभी से क्या करना, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करना है। जैसे ब्रांच अकाउंट में अगर मैं देखूँ तो कितने क्वेश्चन है, बाप रे। कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे इतना। करीब 52 क्वेश्चन दिख रहे हैं, नहीं 52 नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही है, मैं कोई और चैप्टर देख रहा था। तो हमारी बुक में ब्रांच अकाउंट पे 83 क्वेश्चन है, सारे इकट्ठे करना पड़ा है ना, 2000 से लेकर अभी तक इकट्ठे करते करते इतने जमा हो गए हैं। लेकिन आपका काम इजी हो गया, अब आपको पिछले 20 साल का सजेस्टेड आंसर नहीं देखना है। किसी भी बुक में, इंडिया में किसी भी बुक में इतने क्वेश्चन एक जगह पे नहीं होंगे, किसी भी बुक में, चाहे मार्केट से खरीदो या किसी और कोचिंग क्लास की बुक देखो, ठीक है? इतना रिसर्च करके एक जगह पे मटेरियल लाना, इतने सालों के मेहनत का ये एक इम्पैक्ट है। तो एक जगह पे इतने आपको मिलेंगे ही नहीं, इतनी वैरायटी के सारे क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी के भी हैं, तो सारी वैरायटी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है फालतू इतना करा रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट निकलता है तो उसको डिफरेंस समझ में आता है। तो अभी आपको जितना भी मैं बुरा लगना चाहूँ लगने दो, हमारी बातें, हमारी मुलाकात एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद होगी फिर, इज़ इट राइट? देन यू विल गेट टू नो कि आपने और आपके फ्रेंड्स ने कितना डिफरेंस लिखा एग्ज़ाम में। और हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, जब भी टाइम मिले चलते फिरते रिवाइज करते रहना है। शाम को घर जाके टाइम मिले रिवाइज करना है, सुबह 5 बजे उठ के रिवाइज करना है, संडे को टाइम मिले तो 2-4 घंटे रिवाइज करना है, कोई छुट्टी मिले दिवाली की, दशहरा की, ओके, रक्षाबंधन की, दुर्गा पूजा की, तो छुट्टियों में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे, ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए हैं, तो डेफिनेटली आप नंबर 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास तो हो ही जाएंगे,
यू ऑल्सो स्टैंड अ चांस टू कम इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द सी इंस्टीट्यूट. अंडरस्टूड? फाउंडेशन में मेरिट पहले आती थी, अभी नहीं आती है क्योंकि बच्चे बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं. बट इंटर में अभी भी मेरिट रैंक आता है. कितने रैंक दिए जाते हैं? 50. टॉप 50 स्टूडेंट को पूरी कंट्री में टॉप 50 में आना आसान काम है या मुश्किल है? क्या लगता है आपको? बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो. मुश्किल है. 1 लाख लोग इंटर की एग्जाम देते हैं करीब, उसमें से टॉप 50 में आना, बट इट इज पॉसिबल. मैं भी आया था गलती से. तो आप सोचो कि जब इतना मामूली इंसान रैंक में आ सकता है तो फिर तो हम लोग तो बहुत ही होशियार हैं. हमें तो इतनी फैसिलिटीज हैं. पहले का जो स्टडी मटेरियल हमें दिया जाता था क्लास में, बस 40-50-100 पेज का होता था. बाकी फिर अपने से ही पूरा ढूंढो. आरटीपी लाने के लिए इंस्टीट्यूट के ऑफिस जाओ. एमटीपी तो पहले आता ही नहीं था. स्टडी मटेरियल के लिए इंस्टीट्यूट के ऑफिस में जाना पड़ता था. अभी सब बैठे बैठाए घर पे मिलता है. यस और नो? नोट्स भी पूरे डिटेल में सब कुछ एक जगह पे तैयार, रेडीमेड. तो आपको तो और फैसिलिटी ज़्यादा है. तो आपको तो रैंक आने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं. तो ये हमारा जो छोटा सा प्रेजेंटेशन था, इसमें हमने अभी क्या डिस्कस किया है? एडवांस्ड अकाउंटिंग का सिलेबस, पढ़ाई कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक रेफर करनी है, और एग्ज़ाम का पैटर्न अभी क्या है. कुछ आइडिया एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है अभी? तो उन्होंने अभी स्टैंडर्डाइज कर दिया है सारे सब्जेक्ट्स में. इसके पहले जो सिलेबस था उसमें कुछ सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू थे, कुछ में एमसीक्यू नहीं थे. अब उन्होंने पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू को 30% कर दिया है एंड सब्जेक्टिव 70. यानी आपको एमसीक्यू को हैंडल करने के लिए पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़कर जाना है. एमसीक्यू का एडवांटेज के अच्छे से करके जाएंगे पूरे 30 मार्क्स मिल जाएंगे. लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़ कर गए और उसमें से एमसीक्यू आ गया तो फिर कर नहीं पाओगे आप. समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए अब आपको और भी डिटेल में पढ़ना है. आपको कोशिश करनी है कि आपका क्लास का पूरा टाइम यूटिलाइज हो, एक एक मिनट यूटिलाइज हो, बिल्कुल वेस्टेज ना हो. इंटरमीडिएट में सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है टाइम का कंस्ट्रेंट है. पता है आपको कितने महीने हैं आज और आपकी एग्जाम के बीच? करीब 8.5 मंथ्स. आज को भी काउंट करेंगे 8.5 मंथ्स. और सब्जेक्ट्स कितने हैं? 6. सब्जेक्ट के अंदर भी कई बार दो दो सब्जेक्ट हैं. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी एक्चुअली दो अलग अलग ओशियन है. एक पैसिफिक ओशियन है, एक इंडियन ओशियन है. मर्ज करके कर दिया एक. एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और एक वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में ही इंडियन प्लस पैसिफिक ओशियन है. और उसके साथ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, खैर वो छोटा सा है. तो इस तरह से उन्होंने सिलेबस को काफ़ी बड़ा कर दिया है. उसकी तरह मुझे लगता कॉस्टिंग भी काफ़ी बड़ा कर रखा है. और तो और वो लॉ में भी उन्होंने फाइनल के कुछ 2-4 टॉपिक शिफ्ट कर दिए हैं अभी, क्योंकि फाइनल से लॉ हटा दिया है. फाइनल से लॉ हटा दिया तो क्या हो गया कि अब उन्होंने इधर शिफ्ट कर दिया है. अंडरस्टूड? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और सजेशन दूंगा कि प्लीज़ कहीं पे भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. अगर लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपको टीचर को बोलना, सर प्लीज़ पढ़ाओ, हमारे पास सिर्फ इतने ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम के. ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करना है. आपका हर एक मिनट क्लास में यूटिलाइज होना चाहिए. इसलिए ट्रस्ट मी, अभी आपको बुरा लगेगा क्लास में इंटरटेनमेंट. आपको लगेगा अरे यहाँ तो इंटरटेनमेंट बहुत ही कम है, गाने बज ही नहीं रहे हैं, जोक्स तो क्रैक ही नहीं हुआ आज, क्या बेकार टीचर है कि नहीं? बेकार ही तो हुआ ना, जोक्स नहीं, गाना नहीं, नाच नहीं. लेकिन बाद में फिर आपको
जब सिलेबस ख़त्म नहीं होगा तो दिक्कत होगी, एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करने में दिक्कत होगी, एग्ज़ाम के दिन आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, आपका समय बहुत कीमती है, आपको मेरी बात भले बुरी लगे लेकिन बट कीप इन माइंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि वी शुड गिव बेस्ट टू द स्टूडेंट, ओके, जितना अच्छा हो सके। टीचिंग इज़ अ वेरी नॉबल प्रोफेशन एंड वी शुड बिहेव अकॉर्डिंगली एज अ टीचर ऑल्सो, गॉट इट। देर हैज़ टू बी अ रिस्पेक्ट फॉर द स्टूडेंट टाइम एंड रिस्पेक्ट फॉर द टीचर ऑल्सो, सो दैट इज़ हाउ वी विल कैरी द ट्रेडिशन इन आवर क्लासरूम। I will respect your time. The batch will start at sharp time. Whatever is decided, batch will end on time. Only for the first few days, probably we will leave a little early. Thoda used to ho jayenge aap log. Uske baad, game on. Today we'll start with our first topic, branch account. ठीक है, आपको notes मिले क्या branch account का? एक लेकर आओ उधर से, print out लेकर आओ, एक जन जाओ। So we have to really put lot of efforts in our syllabus and you will definitely get very good results. So I'll start with branch account because we have already spent half an hour on the introduction part. This is a very conceptual topic. मतलब इसमें आपका concept clarity बहुत जरूरी है. Topic बहुत easy है और खासकर अगर आपने consignment accounting किया है तो बिल्कुल ही चिंता की बात नहीं है, काफ़ी हद तक उसके जैसा ही है, but it's not exactly the same. What do you mean by branch? What do you mean by branch? जरा आराम से सोचो और जवाब दो। आप जितना जवाब देंगे उतना मुझे खुशी होगी और सही गलत का बिल्कुल चिंता नहीं करना है, जो मन में आए बोलना है, ठीक है? आज बोल डालो, what is the meaning of branch? क्या लगता है आपको, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, पांच लैंग्वेज में बोल सकते हैं? ब्रांच इज अ सब्सिडरी, ब्रांच इज अ सब्सिडरी, सब्सिडरी बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा बिकॉज सब्सिडरी का हमारे सिलेबस में एक अलग मीनिंग है, बिजनेस का एक और आउटलेट जो वो किसी और जगह खोलती है ताकि वहाँ से वो सेल कर सके, दैट इज ब्रांच। ब्रांच इज अ यूनिट ऑफ द बिजनेस लोकेटेड एट अ डिफरेंट प्लेस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओपनिंग ब्रांच? जल्दी जल्दी जवाब देते रहना, इजी क्वेश्चन है, अकाउंटिंग का क्वेश्चन ही नहीं है, कोई भी कॉमन सेंस से जवाब दे सकता। ब्रांच क्यों खोलते हैं हम? एक्सपांशन के लिए, बहुत अच्छा। और कोई? बिजनेस बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ेगा, है कि नहीं? तो आप देखेंगे जरा घूम फिर कर देखो, आपको कहीं आसपास कोई कंपनी का ब्रांच दिखता है क्या? बहुत सारे दिखते हैं, जैसे बाटा कंपनी है तो उसके ब्रांच दिखते हैं आपको इधर भी उधर भी। डोमिनो पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, ब्रांच दिखते हैं उनके? और मैकडोनल्ड जाते हैं, केएफसी भी जाते हैं, वो सब क्या है? वो सब ब्रांच ही तो हैं। अरे तुम जाते हो नहीं जाते हो कोई बात नहीं, जाना चाहिए ना, वेजिटेरियन हो तो वहाँ पे वेज भी तो मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है, तुमको वेज खाना है, वेज नॉन वेज क्यों खाना? मैं भी तो जाता हूँ, तो मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ, तो मैं उसको वेज का ऑर्डर करूँगा ना, राइट? और कोई ब्रांच दिखती है आपको कोई बिजनेस के आसपास? देखो जरा नज़र घुमाओ, बहुत सारी दिखेगी। टाटा मोटर्स की दिखती है कुछ कुछ ऐसे ब्रांच जहाँ पर उनके गाड़ी बिकते हैं? डीमार्ट, अरे बहुत अच्छा जवाब, डीमार्ट। और कोई? ट्रेंड्स, हाँ ट्रेंड्स, बिग बाज़ार दिखता है बहुत जगह पे, रिलायंस मार्ट दिखता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस दिखते हैं, सब ब्रांच ही है, ठीक है? तो ये हो गया अपना ब्रांच।
यानी आपको ब्रांच के बारे में तो पहले से ही पता था। अब बिजनेस में भी स्प्लिट इनटू मेनी पार्ट्स और डिवीजन। जब कंपनी धीरे धीरे जब एक्सपांशन के मोड पे आती है तो सोचती एक जगह से सारा काम नहीं हो सकता। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां पर आपको कस्टमर के नज़दीक पहुंचना है। जैसे बाटा वाले बोलेंगे जिसको बाटा की चप्पल चाहिए जूते चाहिए बस मेरा एक ही ब्रांच है, एक ही हेड ऑफिस है दिल्ली में, वहीं आओ वहीं मिलेगा, बाकी नहीं मिलने वाला आपको। चाहिए? ग्राहक बोलेगा छोड़ो रहने दो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो क्या करते हैं, हर शहर में भी 10-15 लोकेशन पे वो अपनी ब्रांच खोलते ताकि उस लोकेशन के कस्टमर को वो सर्व कर सके। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। एंड इफ द वेरियस पार्ट्स आर लोकेटेड अंडर द सेम रूफ तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स की कल्पना करो, जैसे आप अपने कोई शॉपिंग मॉल में गए तो आपको वहाँ डिपार्टमेंट्स दिखते हैं। कौन से शॉपिंग मॉल में आप जाते हो, एक किसी का नाम बोलो। फिनिक्स में जाते हो, वहां पे तुम्हें कितने डिपार्टमेंट, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट दिखे, जरा गेस करो, आंख बंद करके इमेजिन करो फिनिक्स मॉल में कितने डिपार्टमेंट दिखते हैं। शॉपिंग मतलब क्या है, एक तो क्लोथ्स वाले रहते हैं, स्टारबक्स भी है, हाँ स्टार बाजार वो नीचे में है, और बस दो ही चीज दिखे आपको, आईवेयर, फूड कोर्ट, वो सब डिपार्टमेंट्स है। क्या है, पीवीआर भी है, मूवी थिएटर भी है, करेक्ट, ऊपर में है वो, फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे है, थर्ड पे है, सेकंड पे ही है। मैं देखना चाहता था कि आप कितने एग्रेसिव है अपने ऑब्जर्वेशन में। मूवी के बारे में तो पूरा पता है कि सेकंड फ्लोर पे है, लेकिन शॉप्स के बारे में थोड़ी कम। किसी बैंक के अंदर घुसो, अभी इमेजिन करो हम बैंक के अंदर जा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वहाँ पे, क्या क्या डिपार्टमेंट दिख रहे हैं बैंक के अंदर? एक तो फिक्स डिपॉजिट, और एक कैश कैशियर दिखता है वहाँ पर, कैश डिसबर्समेंट होती है, और एक होम लोन का डिपार्टमेंट है, एक क्रेडिट कार्ड का डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक कॉरपोरेट क्रेडिट एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो ये उनके डिपार्टमेंट्स हो गए। तो अलग अलग कंपनीज में डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं। वेन इट इज़ अंडर सेम रूफ इट इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंट। वेन दे आर लोकेटेड अंडर डिफरेंट लोकेशन दे आर कॉल्ड ब्रांचेस। सो वेन दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस वी विल कॉल इट ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल अ बिग फर्म ऑफ होलसेलर में डील इन क्लोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कॉटन, सिल्क, वुलन। अब एक बड़ी होलसेलर को इमेजिन करो जो अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स में बिजनेस कर रहा है, जैसे कॉटन क्लोथ, सिल्क एंड वुलन। अगर ये तीन डिपार्टमेंट एक ही रूफ के अंडर हो तो उसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंट्स। लेकिन वो क्या करते हैं, अलग अलग शहर में, वो मान्यवर करके है ना, मान्यवर, उनके स्टोर दिखते हैं आपको अलग 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 शहर में। तो दोज आर ब्रांचेस। उसके अंदर में अगर वो अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी, तो दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। तो हमारे टॉपिक क्या है, ब्रांच है या डिपार्टमेंट है? ब्रांच। तो सर डिपार्टमेंट कब पढ़ाओगे? डिपार्टमेंट नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि डिपार्टमेंट सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो एक चीज़ इंस्टीट्यूट को थैंक यू बोलनी चाहिए कि उन्होंने एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक कम कर दिया डिपार्टमेंट, वरना तो वो भी फिर एक और काम बढ़ जाता। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट। तो हमारा सिलेबस में सिर्फ ब्रांच अकाउंटिंग है, हमारे सिलेबस में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग नहीं है। तो किसी को अगर जानने की बहुत इच्छा है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, पुराने कोर्स के वीडियो को लेकर पढ़ लेना, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी के अंदर ऐसी कोई इच्छा जागृत हो रही होगी। अरे भाई पहले यही तो हो जाए, पहले इस गंगा से तो हम उस गंगा तक पहुँचे, ऊपर से आप और क्या क्या डाल रहे हो। तो अगर आपका बिजनेस अलग अलग लोकेशंस पे है, जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, तो देन वी विल कॉल इट ब्रांच। व्हाई डू वी नीड ब्रांच अकाउंटिंग? अब हमारी बातें होती हैं अकाउंटिंग के ऊपर, हम ब्रांच अकाउंटिंग क्यों करते हैं? सिंपल सा एग्जांपल बताओ, ब्रांच अकाउंटिंग क्यों करते हैं? मान लो आप ओनर हैं, आपकी चार ब्रांच है, तो आप ब्रांच वाइज अकाउंटिंग क्यों करेंगे? कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग क्यों करते थे? टू असरटेन दी प्रॉफिट। सिंपल आंसर, टू असरटेन दी प्रॉफिट।
कौन सा ब्रांच कितना प्रॉफिट कर रहा है जानना जरूरी है या नहीं, या जैसे चल रहा है बीबी भगवान भरोसे चलने दो। कुछ ब्रांच हो सकता है लॉस में चल रहे हो, कुछ ब्रांच में प्रॉफिट मार्जिन कम हो, कुछ में प्रॉफिट ज़्यादा हो। अभी आपको तभी पता चलेगा जब आप ब्रांच अकाउंटिंग करेंगे, नहीं तो पता ही चलेगा। लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं, 5-10 साल के बाद पता चला कि अरे बाप रे, पिछले 5 साल में तो हमने 10 करोड़ रुपए गंवा दिए। फिर मुनीम को बुलाएंगे, अकाउंटेंट को, एक थप्पड़ मारेंगे जोर से, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये ब्रांच लॉस में चल रहा है। मुनीम भी एक थप्पड़ मारेगा आपको, आपने मुझे बोला ही नहीं ब्रांच अकाउंटिंग करने, आपने तो कहा पूरी कंपनी का एक ही पीएनएल अकाउंट बनाना है, मैंने बनाया दे दिया, मेरी बात खत्म, और इतनी सैलरी में इतना ही मिलेगा, ब्रांच अकाउंटिंग चाहिए तो और सैलरी बढ़ाओ, है कि नहीं। तो ओनर को पता चलना चाहिए कि मेरा कौन सा ब्रांच कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इससे ब्रांच की एफिशिएंसी पता चलेगी। प्रॉफिट से एफिशिएंसी पता चलती है, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट है मतलब वो ब्रांच ज़्यादा एफिशिएंट है। इसका एक और एडवांटेज है कि आप ब्रांच मैनेजर को रिवॉर्ड दे सकते हैं। आप एक कंपटीशन लगाना, ठीक है, जो ब्रांच का प्रॉफिट इस साल सबसे ज़्यादा होगा उसको एक फ्री दुबई ट्रिप देंगे। तो फिर देखना कैसे वो लोग दौड़ने लग जाएंगे, ब्रांच मैनेजर फिर मेहनत करेगा कम या ज़्यादा करेगा। दुबई ट्रिप कोई आसान काम नहीं है, दुबई जाना आना, वहाँ पे बढ़िया रहना घूमना, उसको एक अनाउंसमेंट करना, फिर देखो कैसे दौड़ेगा वो। लेकिन उसके लिए हमें उसका प्रॉफिट फिगर चाहिए ना, तो ब्रांच अकाउंट से आएगा। उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कौन नालायक ब्रांच है, कौन ब्रांच नालायक है, कौन पैसे को धुआं कर रहा है, कौन वेस्टेज कर रहा है। अब ये तभी पता चलेगा जब आप बोलो ब्रांच अकाउंटिंग करेंगे। नींद आ रही है, कोई बात नहीं, सो जाओ। सो देयरफॉर ब्रांच अकाउंटिंग इज नेसेसरी। कंसाइनमेंट में भी शायद आपको ये सब बातें बताई होगी। तो जब भी आप कोई यूनिट ऑपरेट करते हैं, बेसिकली उनका प्रॉफिट जानना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन सा यूनिट प्रॉफिट में है या लॉस में है, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हाट इज ब्रांच। ये ऑलरेडी हमने बता दिया है, ब्रांच इज अ सबऑर्डिनेट डिविजन ऑफ एन ऑफिस। द मीनिंग ऑफ ब्रांच अज्यूम्स दैट देर इज अ हेड ऑफिस। द मीनिंग ऑफ ब्रांच मीन्स देर इज अ हेड ऑफिस। कैन देर बी ओनली ब्रांच विदाउट द हेड ऑफिस? कैन देर बी ओनली ब्रांच विदाउट हेड ऑफिस? द आंसर इज नो। सो देर फोर ब्रांच इज अ सब डिविजन ऑफ द ऑफिस। दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस टू कैरी आउट द सेम फंक्शन। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग की ओर। यहाँ से ना मेरी बातों को दिमाग में एकदम बैठा लेना है। अकाउंटिंग पर्पस के लिए ब्रांचेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। इसके लिए अकाउंटिंग पर्पस के लिए, एक तो पहले होम ब्रांच और दूसरा फॉरेन ब्रांच, अकाउंटिंग पर्पस के लिए। और कोई पर्पस नहीं अभी फिलहाल, हम अकाउंट्स के सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं, तो हमें देखना है कि अकाउंटिंग के लिए ब्रांच को क्या करना है, पहले होम ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसके आगे फॉरेन ब्रांच का डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा। होम ब्रांच को फिर क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको सिर्फ बोलना है होम ब्रांच को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब आप बोलेंगे डिपेंडेंट का मतलब क्या है? तो एक ही मतलब है सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ कितने मतलब है, एक, दूसरा कोई मतलब नहीं है। डिपेंडेंट ब्रांच मीन्स द ब्रांच डिपेंड्स ऑन हेड ऑफिस फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। ब्रांच डज नॉट मेंटेन इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या, एक बार वापस रिपीट करना है, ब्रांच डज नॉट मेंटेन
इट्स ओन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर डबल इंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। हेड ऑफिस ने ब्रांच को बोला तुम सिर्फ सेल करने पे ध्यान दो, अकाउंटिंग की जिम्मेदारी हमारी, इज इट राइट? ऐसा क्यों करती है हेड ऑफिस? तो कई बार हेड ऑफिस नहीं चाहती कि ब्रांच को पता चले प्रॉफिट कितना है। ब्रांच को अगर पता चल गया कि प्रॉफिट कितना है तो क्या हो सकता है, सैलरी बढ़ाने के लिए बेचारा यूनियन बनाएगा, उसके बाद यहाँ पर ब्लैक कलर का एक रिबन लगाएगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी सैलरी बढ़ाओ, फिर स्ट्राइक पे जाएगा। कुछ कुछ ब्रांच मैनेजर तो होशियार होते हैं, वो एक सिमिलर बिजनेस खुद ही स्टार्ट करके बैठ जाएगा, बोलेगा ओ मालिक इतना पैसा कमा रहा है और मुझे इतनी कम सैलरी दे रहा है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक स्पोर्ट्स की दुकान में गया था जहाँ पे स्पोर्ट्स वाले मटेरियल मिलते हैं क्रिकेट का बैट लेने के लिए। वहाँ का एक मैनेजर था, मैनेजर ने बोला सर आज मेरा इस ऑफिस में आखिरी दिन है। मैं बोला क्यों? बोला कल से मैं खुद ही ऐसी दूसरी दुकान खोल रहा हूँ, ये मेरा कार्ड है, अगली बार से क्रिकेट का बैट लेना होगा ना तो मेरी दुकान में आना। मैं बोला ऐसा क्यों कर रहे? बोला सर बहुत मार्जिन है, तुमको कैसे पता? बोला हम लोग यहाँ अकाउंटिंग करते ना, मेरे को दिख रहा है, मेरे को सैलरी 20,000, मालिक कमाए 20 लाख, ले लूँगा 5-10 लाख, खुद का स्टार्ट करेंगे। इसलिए उसको प्रॉफिट पता ही मत होने दो। बिजनेस में कभी भी अपना प्रॉफिट किसी को बताना ही नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है और लिस्टेड कंपनी है तो शेयरहोल्डर्स को पता चल जाता है, इज इट राइट? तो डिपेंडेंट ब्रांच डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, इंडिपेंडेंट ब्रांच मेंटेन्स सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट। अब क्या है, बिजनेस बहुत बढ़ गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी ब्रांचेस हैं? कोई गेस करो, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी ब्रांचेस हैं? अरे गेस करो, 100, 500, 10,000, 20,000, 10,000 ब्रांचेस हैं मान लो, उसके आसपास ही है स्टेट बैंक। ICICI बैंक की भी करीब 8-9 हज़ार ब्रांचेस हैं, HDFC बैंक की भी 7-8 हज़ार से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, अभी मर्जर के बाद तो और भी हो गई होगी। अब सोचो कि अगर सारे के सारे ब्रांच की अकाउंटिंग हेड ऑफिस करेगा तो हेड ऑफिस का अकाउंटेंट तो बेचारा मारा जाएगा। खुद का अकाउंटिंग करे कि 1,000 ब्रांच की अकाउंटिंग करे बैठ के यहाँ पे? तो जब नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ने लग जाते हैं, ब्रांचेस में ट्रांजेक्शन्स बढ़ने लग जाते हैं, तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी अपनाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो ब्रांच है उसको हम पावर दे देते हैं कि अब तुम अपनी अकाउंटिंग खुद ही करो, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच। द ब्रांच मेंटेन्स इंडिपेंडेंट बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, यानी यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसकी वो अकाउंटिंग करेगा, जर्नल एंट्री करेगा, कैश बुक बनाएगा, सेल्स लेजर बनाएगा, सेल्स डे बुक, क्या क्या पढ़ाते थे ना वो फाउंडेशन में, कौन कौन सी बुक्स होती है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सारा उसको फिर तामझाम उसको करना है फिर, ठीक है? वैसे आजकल सब अकाउंट्स कंप्यूटर्स पे मेंटेन होते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती, बट फिर उनके अकाउंटेंट को जो भी रोज का ट्रांजेक्शन है रिकॉर्ड करना है। और डिपेंडेंट ब्रांच जब नंबर ऑफ ब्रांचेस कम हो, ब्रांचेस छोटी हो, ब्रांचेस में ट्रांजेक्शंस कम हो, तो फिर हेड ऑफिस बोलता है तुम अपना सेल पे ध्यान दो, बाकी अकाउंटिंग का सारा कार्यक्रम हम करेंगे। सो दैट इज़ अबाउट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो हमारा जो टॉपिक है पहले आज कल चलेगा डिपेंडेंट ब्रांच पे, परसों तक चल सकता है। डिपेंडेंट ब्रांच डू नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस, अकाउंटिंग इज डन बाय हेड ऑफिस। ब्रांच सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, कुछ तो मेंटेन करेगा, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। याद रखना है, जब दुनिया इधर से उधर हो जाए, अब इंडिया, आपको मैंने एग्जाम्पल पूछा था, पुणे में एक स्वीट शॉप है जिसका नाम है काका हलवाई, उसकी भी आप देखेंगे ना बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और ये सब क्या करते हैं, कभी गए क्या उसके अंदर, क्या मिलता है वहाँ पे? मिठाई और समोसा भी मिलता है,
और कचौड़ी भी मिलती है, बहुत सारी चीजें। आप देखेंगे इनका जो वहां पे स्टाफ है ना, वो सिर्फ बेचने में उसको इंटरेस्ट है। अकाउंटिंग वहां नहीं होती है, अकाउंटिंग हेड ऑफिस में होगी। तो दिस इज अ डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, ये दिस इज डिपेंडेंट ब्रांच। तो छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, आपको कोई केस स्टडी दे दिया जाएगा और उसमें लिखा रहेगा कि इसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस मेंटेन करती है, बताइए डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो आपको बोलना ये डिपेंडेंट ब्रांच है। काका हलवाई की 9 ब्रांचेस है पूना में, इनका हेड ऑफिस तिलक रोड पे है। एंड दे आर मोर और लेस ओनली सेल्स ब्रांचेस, सेल करने में इनको इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग नहीं करते हैं। अकाउंटिंग विल बी डन बाई द हेड ऑफिस, देन दिस ब्रांचेस विल बी कॉल्ड एज डिपेंडेंट ब्रांच। लेकिन अगर ब्रांच भी अकाउंटिंग करती है तो देन वी विल कॉल इट इंडिपेंडेंट ब्रांच। दैट वॉज जस्ट अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आज जब क्लास के बाहर निकलेंगे, देखते रहना घूमते हुए, कितनी सारी एंटिटीज के ब्रांचेस दिखेंगे आपको। अब आपको ब्रांच ब्रांच दिखने लगेगा, ठीक है, आसपास देखते रहना है। सो डिपेंडेंट ब्रांच के कुछ फीचर्स होते हैं विच विल डिस्कस, लेकिन ये फीचर इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ एक फीचर इम्पॉर्टेंट है, कौन सा फीचर? अकाउंटिंग। ब्रांच डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो बाकी जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, उसको ज़्यादा भाव नहीं देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हेन द बिजनेस पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ब्रांच आर होल्ली कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस, इट्स अकाउंट्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड बाई इट। तो यूजुअली डिपेंडेंट ब्रांच में बेचारे जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, उनको सिर्फ मालिक की बात सुननी है, अपना दिमाग चलाना है नहीं चलाना है, नहीं चलाना है। हेड ऑफिस विल गिव देम इंस्ट्रक्शन व्हाट दे हैव टू डू, एट व्हाट प्राइस दे हैव टू सेल, ओके, हाउ टू प्रोसेस द ऑर्डर। इफ यू गो टू सम, सपोज आप कभी डोमिनो पिज्जा में जाते हो, बार्गेन करके दिखाओ उससे, बोला हम लोग 2 लोग लेंगे, 10% डिस्काउंट दो। हाँ, सुनेंगे क्या वो? क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं है बेचारे के पास। उसको तुम बोलना एक काम करो, ये 2 पिज्जा को मिक्स करके ना एक बीच में एक नया पिज्जा बना दो, आधा इधर आधा उधर, करेंगे क्या वो? बोलेंगे ये मेनू है, लेना है लो, नहीं लेना है जय राम जी की, मत लो। क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं, सारा उनका जो हेड ऑफिस है वहां से इंस्ट्रक्शन आता है। या उसको ऐसा बोलना, एक काम करो कैश में ले लो, हाँ जीएसटी मत लगाना, 5% कम कर दो, करेंगे क्यों? सारा इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? हेड ऑफिस। इनका काम सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, इनकी अकाउंटिंग कौन करेगा? हेड ऑफिस, बेस्ड ऑन स्टेटमेंट रिपोर्ट्स रिसीव फ्रॉम द ब्रांच। हेड ऑफिस अकाउंटिंग करने के लिए क्या करता है? फ्रॉम टाइम टू टाइम दे विल आस्क फॉर सम स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दैट द अकाउंटिंग इज डन बाय द हेड ऑफिस। सो जनरली ऐसे डिपेंडेंट ब्रांच आपको कहाँ मिलेंगे? डिपेंडेंट ब्रांचेस आर जनरली फॉर बुकिंग ऑर्डर्स। जैसे मान लो बसेज हैं, तो आप देखेंगे बस वालों के ना बुकिंग सेंटर्स होते हर जगह पे, देखा है आपने? बस वालों के होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी दूर में आपको टिकट लेनी है तो आपको हेड ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूरों में उनके सेंटर होते हैं। या कुरियर कंपनीज जो होती हैं, कुरियर कंपनी देखा होगा आपने, ध्यान से देखना है, सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं देखना है, चलते फिरते देखना दुनिया में क्या चल रहा है। तो कुरियर कंपनी के दो दो तीन तीन किलोमीटर में ना आपको एक बोर्ड दिखेगा, DTDC कुरियर सर्विस। अब देखना आज घर तक पहुंचते पहुंचते 2-4 दिख जाएंगे। वहां क्या करते हो, जो लोकल लोग हैं वहां से वो कुरियर कलेक्ट कर लेते हैं, उसके लिए डिपेंडेंट ब्रांच, क्योंकि इनके पास ज़्यादा काम होता नहीं है, कस्टमर से ऑर्डर लेना छोटी मोटी सर्विसेज के लिए बनाए जाते हैं। या फिर आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाओगे तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में एक एक अपने वो स्टोर डाल देते हैं, उसका काम बस बेचना है, वहाँ पे दिन भर बैठ के बेचते रहना है, अकाउंटिंग का झंझट मत करो तुम। एक मैनेजर रहेगा, 2-3 सेल्स स्टाफ रहेंगे, काम खत्म, ठीक है। और होते हैं रिटेल ब्रांच फॉर रिटेल सेल ऑफ गुड्स, ये जो रिटेल सेल के लिए होती है, हेड ऑफिस जो रहती है बहुत जगह रिटेल शॉप्स खोल देती है, ये जो मान्यवर के जो स्टोर्स होते हैं रिटेल स्टोर ही हैं। एक 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 दिन भर ग्राहक आता है, 100 बार ट्रायल करता है,
माथा चाटता है, फिर खरीदता है, नहीं खरीदता है, रिटेल स्टोर में वही होता है ना आजकल। सो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डिपेंडेंट ब्रांच, ये जो फीचर मैं लिख रहा हूँ ज्ञान के लिए, काम के लिए सिर्फ एक ही है, कौन सा? बुक्स ऑफ अकाउंट। कभी कभी थियरी आ जाती है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और आजकल MCQ आने की वजह से हमारा काम और बढ़ गया है, सब कुछ बताना पड़ेगा। कल को एग्जाम में आ गया फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, तो आपको उसमें से सही ऑप्शन चूज करना है। तो डिपेंडेंट ब्रांच यूजुअली दे रिसीव ऑल द गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस, ठीक है। पहला फीचर क्या है? दे रिसीव ऑल द गुड्स फ्रॉम, जैसे बाटा के जितने भी स्टोर हैं सारा उनको शूज कहाँ से आता है? हेड ऑफिस से आता है। डोमिनो पिज़्ज़ा, उनको जो भी इनपुट है वो कहाँ से आता है? हेड ऑफिस से आता है, ठीक है। जनरली उनको लोकल मार्केट से कुछ परचेस करने का पावर नहीं है। दूसरा, डिपेंडेंट ब्रांच को सेलिंग प्राइस भी हेड ऑफिस फिक्स करके देती है, इससे कम में नहीं बेचना है। आप किसी मॉल में जाओ, कोई भी कपड़े की दुकान, आई वेयर की दुकान, जूते की दुकान में जाओ और उससे तुम बार्गेन करके दिखा दो, एक रुपया कम नहीं करता है। ज़्यादा भले ले लेगा, 99 रहा तो 100 ले लेगा, लेकिन 98 नहीं लेगा, क्योंकि उसको फिर उसकी जेब से भरना पड़ेगा रात को, ठीक है। तो उनको प्राइस भी फिक्स कर देती है हेड ऑफिस, एंड यूजुअली इनको बोला जाता है कि आप क्रेडिट नहीं देना है किसी को, आज जाके क्रेडिट लेना, ठीक है। मॉल में बोला भैया भैया शूज कितने का है? 5,000 का। परसों दिया तो पैसे चलेगा क्या? जरा रिएक्शन दो, क्या होगा उसका? नहीं मानेगा बेचारा डिपेंडेंट ब्रांच। कल को तुमने उधार दिया और ग्राहक लौट कर लाया ही नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बट ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस दे आर अलाउड टू ऑफर क्रेडिट। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऐसी ब्रांच जहाँ पे सिर्फ कैश सेल होता है, और ऐसी ब्रांच जहाँ पे कैश एंड क्रेडिट सेल दोनों होता है, ना तो फिर इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट कैसे करेगी ना? क्रेडिट सेल की भी तो अकाउंटिंग जानना है। और जो ब्रांच के जो खर्चे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस, पीरियोडिकल एक्सपेंसेस, कौन पे करता है? हेड ऑफिस। यानी ब्रांच का जो रेंट है, मॉल में जो रेंट लग रहा है ना, कौन पे कर रहा है? डायरेक्टली हेड ऑफिस से चेक जाता है। वो जो 3-4 स्टाफ उधर काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी कौन दे रहा है? डायरेक्टली हेड ऑफिस दे रहा है उसकी सैलरी को, ठीक है। एंड ब्रांच को बोला जाता है कि तुम्हारा दिन भर में जितना भी कलेक्शन होगा कैश का, अपने पास नहीं रखना है, तो क्या करना है? हेड ऑफिस को रेमिट करना है सेम डे, यूजुअली। मतलब कई बार सेम डे की जगह अगले दिन भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट यूजुअली उनको रेमिट करना है। तो उनके पास कैश रखने का भी पावर नहीं है। हालांकि कभी कभी वो पेटी कैश के लिए कुछ 1,000, 2,000, 5,000 रुपये रख सकते हैं, कभी कभी उसका भी पावर नहीं रहता है। एंड पेटी एक्सपेंसेस, आप कोई पेटी एक्सपेंसेस सुना है क्या आपने? क्या होता है? छोटे मोटे खर्चे। अब मान लो ब्रांच मैनेजर को चाय पीनी है 20 रुपए की, तो क्या वो हेड ऑफिस से पहले फोन करके पूछेगा सर चाय पी लूँ क्या? नहीं, उतना तो उसको आज़ादी देनी होगी ना, ना तो फिर आज़ादी का क्या मतलब इस देश में, अगर आप अपने से चाय भी नहीं पी सकते हैं तो। तो छोटे मोटे खर्चे के, मान लो समोसा खाना है, गेस्ट आ गया, तो क्या हेड ऑफिस को फ़ोन करके पूछेंगे क्या मैं समोसा खा लूँ? मान लो मोबाइल की बैटरी, इस पेन की बैटरी चले गई, मैं ब्रांच हूँ, ये तो बैटरी वाला पेन है, तो मेरे को हेड ऑफिस को फ़ोन करके बोलना पड़ेगा सर बैटरी ख़त्म हो गई, क्या करूँ, बैटरी ले लूँ? बोलेगा हाँ ले लो। सर एक काम कीजिए, पहले पैसे रेमिट कीजिए, जब तक पैसे आएंगे तब तक 3 दिन क्लास बंद रहेगी फिर, तो दैट इज़ पेटी एक्सपेंस। तो उसके लिए क्या करते हैं, कई बार वो ब्रांच में जो कैश कलेक्ट हुआ उसमें से रख लेते हैं, या समटाइम द हेड ऑफिस रेमिट द पेटी एक्सपेंस ऑल्सो पीरियोडिकली। और या तो स्टार्ट में 1,000 रुपये 5,000 दे दिया, मंथ एंड में देखेंगे कितना खर्चा हुआ, अगले मंथ में उतना डिफरेंशियल अमाउंट रेमिट कर देंगे। इज इट राइट? पेटी कैश एक्सपेंस सीखा है आपने, इम्प्रेस सिस्टम सीखा है, यानी 1,500 रुपये की मैंने लिमिट लगा रखी है, तो महीने में 750 खर्चा हो गया, तो अगले महीना उसको कितना देंगे? फिर से 750 दे देंगे। वैसे ये हमारा सिलेबस में सिर्फ इसकी छोटी सी एंट्री आपको सीखनी है।
इम्प्रेस सिस्टम सीखना नहीं है। ऊपर के सारे पॉइंट जो थे ज्ञान वाले थे, ज्ञान मिला, लेकिन अकाउंटिंग के लिए सिर्फ एक पॉइंट रेलेवेंट है। अकाउंटेंट बोलता है मेरे को कुछ नहीं मतलब, आप उनको सिर्फ एक चीज का भाई मतलब है, हु मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट। इफ द ब्रांच डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इट इज अ डिपेंडेंट ब्रांच। तो हु विल मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट? हेड ऑफिस। दैट इज द ओनली वे स्टूडेंट के लिए, दैट इज द ओनली वे टू आइडेंटिफाई अ डिपेंडेंट ब्रांच। चाहे इंस्टीट्यूट आपको कितनी भी लंबी कथा सुनाए, आपको उस कथा में ये ढूंढना है क्या बुक्स ऑफ अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है। और अगर एचओ मेंटेन कर रही है तो डिपेंडेंट ब्रांच है, और अगर ब्रांच मेंटेन कर रही है तो इंडिपेंडेंट ब्रांच है। बाकी और कुछ स्टोरी को नहीं पढ़ना है फिर। इज इट राइट? तो आज हम यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। वो नोट्स का प्रिंट लेके जाओ, कल लेकर आना, ठीक है? आज का लेक्चर YouTube पे भी अपलोड हो गया है। हमारी YouTube चैनल का नाम है AS फाउंडेशन, ठीक है?